राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पर गुरुवार को बाड़मेर में चाकू से हमले की कोशिश की गई। दरअसल रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के सरहदी क्षेत्रों में टिड्डी प्रभावित इलाकों में दो दिन के दौरे पर थे, जिसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अपने समर्थकों के साथ जुटे थे। इसी बीच भीड़ में से निकल एक युवक ने बेनीवाल पर हमले की कोशिश की। गनीमत रही कि सांसद बच गए। उधर घटना के बाद हनुमान समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बेनीवाल का आरोप है कि खरताराम बना ने उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि सांसद समर्थकों ने खरताराम को मौके पर पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खरताराम को भीड़ से छुड़वाकर हिरासत में ले लिया है और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि आरोपी खरताराम बाना ने सांसद कर्नल सोनाराम को भीड़ में थप्पड़ मारा था। यही नहीं, जेएनवीयू वीसी के साथ भी मारपीट के आरोप है। बहरहाल हनुमान बेनीवाल पर हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।